example. So, this is the past indefinite tense. You broke this chair. Broke आपने यहाँ देख रहे हैं. This is the second form of break. And this is the second form of write. So, these two sentences are past indefinite tense. And now you are going to change these two sentences into their passive form. तो आइए सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं. देखिए रूल सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई योर सब्जेक्ट, देन वॉच वर्ब, देन वी3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट. और ये जो सब्जेक्ट होता है मैंने जैसा आपको बताया था, दिस सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड दिस ऑब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. अब हम बात करते हैं सेंटेंस. ही रोट ए लेटर, मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है ही रोट ए लेटर. आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लेटर, ये लेटर. ये लेटर क्या है, ये एक पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट से आप इसकी शुरुआत करेंगे. नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट. और ये सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. तो ये लेटर को आपने यहाँ लिख दिया. इसके बाद सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, वॉच और वर्ब इसको क्या लगाएंगे, वॉच का सिलेक्शन करेंगे. ये लेटर वॉच रिटन बाय हिम, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ ही रोट ए लेटर. नाउ देख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव. तो इंट्रोगेटिव निगेटिव मैंने आपको बताया था, आई जस्ट एक्सप्लेन अबाउट इंट्रोगेटिव निगेटिव, दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वन इज डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जनरली स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब्स ईच एम आर वॉच और has, have, had, will, shall, etc. ये जितने भी auxiliary verbs होते हैं, इनसे अगर किसी sentence की शुरुआत हो गई तो इन sentence को हम बोलते हैं direct interrogative sentence. Now, interrogative negative sentence जो होता है दो प्रकार का, एक direct और दूसरा indirect. इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसको बनाया था. तो आप उसको अगर देख लेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड. ये देखिए इंट्रोगेटिव अगर दिया है तो सबसे पहले लगाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर वॉच वर्ड, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर नाउन with the by object and subject of active voice. अब यहाँ हमने कुछ sentence लिखा है जिस sentence को आपको change करना है. This why did he not learn his lesson? यह पहला sentence दिया है why did he not learn his lesson? आइए सबसे पहले हम इसको change करते हैं. तो why did he not learn his lesson? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, why. Why के बाद आपका नया सब्जेक्ट क्या आ रहा है, his lesson. तो आप सिलेक्शन किसका करेंगे, watch. Why watch his lesson, his lesson not learned, not learned by him. दूसरा है how, आपका एक्टिव वॉइस लिखा है, आपका प्रश्न हाउ डिड ही नॉट प्ले ए गेम. ये इंट्रोगेटिव वर्ड किया है, हम इसका फॉलो इसको फॉलो कैसे करेंगे, इस रूल से करेंगे. इस रूल में सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड. तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा दिया है हाउ, इसलिए हम यहाँ हाउ ही करते हैं. हाउ आपने लिख दिया, फिर आपका नया सब्जेक्ट क्या है,
अगेन। नया शब्द क्या होगा? गेम है। यहाँ क्या बनेगा? वॉच। हाउ वॉच ए गेम, हाउ वॉच ए गेम। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। फिर आप लेगा थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्ले, प्ले बाय हिम। यहाँ लगा देंगे आप क्वेश्चन का। फिर सेकेंड आ जाता है डिड सी नॉट कंप्लीट हर वर्क। यहाँ क्या पा रहे हैं? ये है आपका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत डिड से हुई है, और जब इस सेंटेंस की शुरुआत डिड से हुई है तो आपका पैसिव वॉइस भी वॉच या वर्क से इसकी शुरुआत होगी, जो कि ये इस रूल को फॉलो करें, सेकेंड रूल को फॉलो करें। तो डिड सी नॉट कंप्लीट हर वर्क, यहाँ से शुरुआत करेंगे वॉच हर वर्क, वॉच हर वर्क नॉट कॉम्प्लीकेट शी वाज क्लियरली टीडी कॉम्प्लीकेट बाय हर। ओके गाइस, इफ यू आर फाइंडिंग एनी कंफ्यूजन इन दिस लाइंस तो यू कैन श्योरली सेंड ए मैसेज, यू कैन मेक एनी कमेंट and I will try my best just to remove your confusions. So, okay, bye, thank you.